चलो यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। तो आपका जो गिबरलिन है, इसके बायोसिंथेसिस को आपका लाइट, फोटोपीरियड एंड टेम्परेचर, ये अलग अलग फैक्टर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो जैसे अपन फ्लावरिंग की बात करते हैं, तो लाइट जो है, इसमें आप एग्जांपल फ्लावरिंग का कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फोटो पीरियड जो है, इसमें फ्लावरिंग एज वेल एज जो आपका स्टीम इलोंगेशन है, जैसे लॉन्ग डे की अगर अपन बात करेंगे, लॉन्ग डे मतलब समर सीजन। समर सीजन में क्या होता है कि जो भी वेजिटेबल्स आती हैं, जैसे स्पिनेच हो गया, तो लॉन्ग डे में क्या होता है, स्पिनेच में गिबरलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और गिबरलिन का अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसका स्टीम लेंथ बढ़ जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो अपन यहाँ पे स्पिनेच का एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर आपने देखा होगा, समर सीजन में जो स्पिनेच होता है उसका हाइट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद ट्यूबर फॉर्मेशन, तो समर सीजन जो है इसमें आपका गिबरलिन जो है, इसका अगर प्रोडक्शन होता है तो गिबरलिन इनहिबिट करता है आपके ट्यूबर फॉर्मेशन। तो अलग अलग कंडीशंस है, अलग अलग एग्जांपल्स है। टेम्परेचर इफेक्ट में मैंने आपको एग्जांपल बताया वर्नालाइजेशन का। वर्नालाइजेशन मतलब क्या होता है, लिख लो। वर्नालाइजेशन मतलब कोल्ड कंडीशन जो है, ये अगर आपकी फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्नालाइजेशन। अगर कोल्ड कंडीशन आपके सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करती है तो उसको बोला जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। तो वर्नालाइजेशन ये आपका फ्लावरिंग को इंडिकेट करता है इन कोल्ड कंडीशन। तो कोल्ड कंडीशन और लो टेम्परेचर इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ गिबरलिन, एंड देन गिबरलिन इंड्यूस फ्लावरिंग इन प्लांट, ठीक है यहां तक। हाँ सर। उसके बाद में टेम्परेचर इफेक्ट में सीड जर्मिनेशन का भी लिख लो। अगर लो टेम्परेचर पे सीड आपका जर्मिनेट होता है तो उसको बोला जाता है स्ट्रेटिफिकेशन, ये अपन ने पढ़ा है, एक्टिवेशन ऑफ सीड में। तो स्ट्रेटिफिकेशन एंड वर्नालाइजेशन, ये जो दो टर्म है, एक है आपका सीड जर्मिनेशन के लिए, दूसरा है आपका फ्लावरिंग के लिए, दोनों भी कहाँ पे, आपके लो टेम्परेचर के केस में, ठीक है यहाँ तक। तक ठीक है। हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट ऑक्सीन जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी गिबरलिन बायोसिंथेसिस। ऑक्सीन गिबरलिन के बायोसिंथेसिस को इंड्यूस करता है। तो ये आपका ऑक्सीन जो Ge3 ऑक्सीडेज एंड Ge20 ऑक्सीडेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और ये जो आपके Ge20 एंड Ge3 ऑक्सीडेज है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव गिबरलिन। अभी तक अपन ने सिर्फ एक ही पढ़ा है, दैट इज Ge1, एंड Ge1 इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टीम इलोंगेशन।
बराबर ना? हाँ सर। अपन ने जीव वन का पढ़ा है, उसके बाद में नेक्स्ट जो भी आपका गिबरलिन का रिस्पॉन्स होता है, ये अगर बहुत ज्यादा हाई है तो यहाँ पे निगेटिव फीडबैक लूप से आपके गिबरलिन बायोसिंथेसिस को इनिबिट भी किया जाता है। ठीक है, तो गिबरलिन बायोसिंथेसिस को इनिबिट करने के लिए हमारे पास में निगेटिव फीडबैक लूप है, तो हाई गिबरलिन रिस्पॉन्स जो है ये आपके जीए थ्री एंड जीए ट्वेंटी ऑक्सीजन को इनिबिट करता है। तो जैसे अपन ने बोला है कि ऑक्सिन इंड्यूस्ड गिबरलिन बायोसिंथेसिस, तो ऑक्सिन एक्टिवेट जीए ट्वेंटी एंड जीए थ्री ऑक्सीडेज, तो ऑक्सिन जो है ये इनिबिट करता है किसको, आपके जीए टू ऑक्सीडेज को, जो गिबरलिन को इनएक्टिवेट करने वाला एंजाइम। ठीक है यहां तक? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट गिबरलिन की कौन सी फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी पढ़ी रही अपन ने? एक पहला पढ़ा इट इन्वॉल्व इन द स्टीम इलोंगेशन, तो उसमें अपन ने कैपिटल टी या कैपिटल एल ई ये जो जीन है उसका फंक्शन पढ़ा कि वो जीए थ्री ऑक्सीडेज को प्रोड्यूस करता है और उसके वजह से गिबरलिन आपका प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है। गिबरलिन प्रोड्यूस होगा तो स्टीम इलोंगेट होगा, तो गिबरलिन इज इन्वॉल्व इन द स्टीम इलोंगेशन, और स्टीम इलोंगेशन में कौन सा गिबरलिन इन्वॉल्व होता है? जीए वन। ठीक है यहां तक? हाँ सर। दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, इट इज सिंथेसाइज इन दी अपाइकल टिश्यू। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपके गिबरलिन बायोसिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। चौथा पढ़ा अपन ने ऑक्सिन इंड्यूस करता है आपके जीए ट्वेंटी एंड जीए थ्री ऑक्सीडेज को, तो इनिबिट करता है जीए टू ऑक्सीडेज को, और ये एंजाइम को रेगुलेट करने के बाद में गिबरलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका गिबरलिन जो है ये सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन को भी इंड्यूस करता है, बट ये फंक्शन जो है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जैसे अपन बोलते हैं ना कि हर एक हार्मोन जो है इसमें एक स्पेसिफिक फंक्शंस आपको याद रखने होते हैं, तो अपन ने ऑक्सिन साइटोकाइनेसिस के कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस तार किए। ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से याद रखना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। गिबरलिन में इम्पोर्टेंट एक ही है स्टीम इलोंगेशन, उसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे इसके बाद आपका फ्लावरिंग आता है, जर्मिनेशन आता है, तो उसको आपको स्टार मार्क करके रखना है। ठीक है, तो अभी तक एक इम्पोर्टेंट हो गया गिबरलिन का, दैट इज स्टीम इलोंगेशन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है आपका गिबरलिन जो है ये सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ऑक्सिन था। ऑक्सिन क्या करता था, हाइड्रोजन एंटीपेज जो है इसको इंड्यूस करता था, उसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता था, तो हाइड्रोजन एंटीपेज का एक्सप्रेशन भी होता था, उसका एक्टिवेशन भी होता था, उसका एक्टिविटी बढ़ जाता था ऑन दी सेल मेम्ब्रेन, और उसका एक्टिविटी अगर बढ़ गया तो जो सेल वॉल है उसका पीएच एसिडिक हो जाता था। सेल वॉल का पीएच अगर एसिडिक हो गया तो एक्सपांसिन एक्टिवेट होता था, और एक्सपांसिन क्या करता था, सेल वॉल का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता था, उसको उसकी एक्सटेंसिबिलिटी को बढ़ाता था, तो आपके जो सेल है ये इलोंगेट होते थे। अगर अपन सेल इलोंगेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सेल वॉल को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी विदाउट एसिडिफिकेशन, वहां पे क्या पढ़ा था, विथ एसिडिफिकेशन, हाइड्रोजन आयन एटीपेज एक्टिवेट होता है, एसिडिफिकेशन करता है, तब आपका एक्सपांसिन एक्टिवेट होता था। ये विदाउट एसिडिफिकेशन क्या करता है, सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी को इनहांस करता है। तो विदाउट अगर अपन ने एसिडिफिकेशन बोला है तो यहाँ पे फिर कोई तो भी दूसरा मैकेनिज्म होगा, तो कौन सा मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे एंजाइम काम करता है ज़ाइलोग्लुकन इंडो ट्रांसग्लाइकोसाइलेस। ठीक है क्या, तो ये इंड्यूस करता है किसको, आपके एक्सपांसिन को। ठीक है क्या, यहां तक ठीक है?
सर तो एक्सीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ एक्सपांसिन इनटू द सेल वॉल. फिर एक्सपांसिन का काम होता है जो भी आपका सेल वॉल कंपोनेंट है, जैसे आपके पास में सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, ये पॉलीसेक्राइड के बीच में जो आपके बॉन्ड्स होते हैं वीक बॉन्डिंग होती है, जैसे आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसको ये क्या करता है, ब्रेक करता है. और ये अगर आपका पॉलीसेक्राइड के बॉन्डिंग को अगर ब्रेक कर रहा है तो सेल वॉल का एक्सटेंसिबिलिटी जो है ये बढ़ जाता है. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सर. हाँ, वहां पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कर रहा था, यहाँ पर ये एंजाइम कर रहा है. तो वही पूछना था मुझे. हाँ, तो क्या हुआ, तो एक्सपांसिन जो है इसको रेगुलेट करने वाले दो फैक्टर हैं, एक आपका एसिडिक कंडीशन. हाँ सर, देखो एक्सपांसिन जो है ये आपका एसिडिक कंडीशन में वहां पे काम करता था, ठीक है, इन केस ऑफ ऑक्सिन. यहाँ पे ज़ाइलोग्लुकन इंडो ट्रांसग्लाइकोसाइलेज जो है ये क्या कर रहा है, एक्सपांसिन को पेनिट्रेट कर रहा है, एक्सपांसिन को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है. ठीक है, ठीक. तो इसका काम क्या है, एक्सपांसिन जो है इसको सेल वॉल में पेनिट्रेट करना, बट पूरा जो मैकेनिज्म जैसे अपन ऑक्सिन के केस में पढ़ा वो भी पूरा मैकेनिज्म नहीं है कि एक्सपांसिन एक्चुअली एक्टिवेट कैसे होता है. एक्सपांसिन को अगर एक्सीटी एक्टिवेट कर रहा है तो इसका भी पूरा मैकेनिज्म नहीं है. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मे बी करता होगा बट हमें कंप्लीट उसका एक्टिवेशन कैसे होता है ये नहीं पता. बट जब गिबरलिन का अपन एक्सप्रेशन बढ़ाते हैं या गिबरलिन प्रेजेंट है तो वो एक्सीटी को एक्टिवेट करता है, और एक्सीटी जो है ये आपका एक्सपांसिन को एक्टिवेट करता है. बट अगर फॉर एग्जांपल अपन अब ये क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता कि एक्सीटी ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो अपन ने क्या किया, एक्सीटी को हटा के देखा, इन प्रेजेंस ऑफ गिबरलिन अपने एक्सीटी वाला जो जीन है उसको म्यूटेट कर दिया. उसको म्यूटेट करने के बाद में एक्सपांसिन का एक्टिवेशन नहीं हुआ, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि गिबरलिन जो है ये एक्सीटी को एक्टिवेट करता है, फिर एक्सीटी क्या करता है, एक्सपांसिन को इंड्यूस करेगा या उसको रेगुलेट करेगा. बट इसका जो पूरा फंक्शन है ये पूरा मैकेनिज्म नोन नहीं है. ठीक है, ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट, अगर हमने बात किया है सेल इलोंगेशन का, तो सेल इलोंगेशन के लिए आपको सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी जो है उसकी अपन ने बात की. अगर आप सेल डिवीजन की बात करते हो तो सेल डिवीजन मतलब गिबरलिन जो है ये सेल साइकिल काइनेज जो है उसको एक्टिवेट करता है, उसके ट्रांसक्रिप्शन को ये रेगुलेट करता है. ठीक है, जैसे साइटोकाइनिन था ये आपका साइक्लिन डी को एक्टिवेट करता था, तो वैसे ही ये भी आपका सेल साइकिल काइनेज जो है उसको इंड्यूस करता है. यहां तक ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका जो गिबरलिन है ये अलग अलग फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे इट स्टिमुलेट फ्लावरिंग, तो ये आपका फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है.
ठीक है। उसके बाद में ये आपका फ्लावर का सेक्स डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, तो इट इन्वॉल्व इन दी मेल फ्लावर डेवलपमेंट। उसके बाद में इट इन्वॉल्व इन दी इलोंगेशन ऑफ सेल, तो इट इन्वॉल्व इन दी इलोंगेशन ऑफ फ्रूट, जैसे एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गए, ठीक है, बाकी के फ्रूट है जिनको आपको इलोंगेट करना है। फ्रूट ही नहीं, वेजिटेबल्स भी इसमें आते हैं, ठीक है। अगर कोई भी फ्रूट जो है इसको इलोंगेट करना है आपको, तो उसके ऊपर गिबरलिन को स्प्रे किया जाता है। जैसे ग्रेप्स जो है ये आपके स्पेरिकल शेप में भी आते हैं और ये वाले शेप में भी आते हैं। अपने को ये अच्छा दिखता है इसलिए अपन ये खरीदते हैं, डिमांड इसका ज्यादा है, तो इसके ऊपर गिबरलिन को स्प्रे किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो भी आपका ब्रांच होता है जिसके ऊपर आपके फ्रूट्स लगते हैं, ठीक है, जैसे ये आपके ग्रेप्स जो है ये इस तरीके से यहाँ पे आपके डेवलप होते हैं, तो ये जो आपका ब्रांच होता है इसको भी अगर आपको इलोंगेट करना है, क्योंकि ये जितना ज्यादा इलोंगेट करोगे आप उतना ज्यादा इसके ऊपर फ्रूट लगेंगे, तो इसको भी अगर आपको इलोंगेट करना है तो उसके लिए आप ये स्टीम के ऊपर क्या करते हो, गिबरलिन को स्प्रे करते हो। इसके ऊपर अगर आपने गिबरलिन को स्प्रे किया तो ये स्टीम का लेंथ बढ़ जाएगा, स्टीम का लेंथ बढ़ेगा तो फ्रूट का नंबर भी बढ़ेगा। उसके बाद में अलग अलग फ्रूट, जैसे एप्पल का भी एग्जांपल है, एप्पल जो है ये पहले आपको इस तरीके से मिलता था, ठीक है, अब जो एप्पल आते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं, थोड़ा इलोंगेटेड होता है। तो ये इलोंगेशन किसके वजह से हुआ है, सेल इलोंगेशन के वजह से। सेल इलोंगेशन को इंड्यूस कौन करता है, तो सेल इलोंगेशन को इंड्यूस कर रहा है गिबरलिन। तो जो भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इसके ऊपर गिबरलिन को स्प्रे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो शुगर केन है, शुगर केन की अगर अपन बात करते तो ऐसे शुगर केन पे बॉक्सेस होते हैं जिसको बुलाता है इंटरनोड, ठीक है, ये भी एक स्टीम ही है, बराबर ना। तो ये जो आपका इंटरनोड है इसका लेंथ आप जितना बढ़ाओगे, इसका हाइट जितना आप बढ़ाओगे उतना उसमें शुगर का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये अपन स्टीम का जो लेंथ है या हाइट है इसको बढ़ा दिया, इंटरनोड जो था उसको इलोंगेट कर दिया अपन ने। इंटरनोड को अगर आपने इलोंगेट कर दिया तो इसमें शुगर का भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो ये आपका इंटरनोड इलोंगेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है क्या यहां तक? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट सबसे लास्ट है जीए इन्वॉल्व इन दी सीड जर्मिनेशन, जिसको हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन की जब भी हम बात करते तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में सीड को अगर आपको जर्मिनेट करना है, ठीक है, तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए हमारे पास में इनिशियल स्टेज जो होता है सीड जर्मिनेशन का, उसके लिए जरूरत पड़ती है इंडोस्पर्म की। क्योंकि अपन ने क्या बोला था कि इनिशियल स्टेज में बिफोर जर्मिनेशन जो एम्ब्रियो होता है, प्लांट एम्ब्रियो, वो आपका हेटरोट्रॉपिक होता है, वो खुद फूड नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास में लीफ ही नहीं है। लीफ डेवलप करेगा तब जाके वो फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करेगा, तब वो ऑटोट्रॉप होगा। बट इनिशियल स्टेज में वो क्या होता है, हेटरोट्रॉप होता है।
हेटरोप है तो सीड जर्मिनेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें न्यूट्रिएंट को स्टोर करना पड़ता है। और न्यूट्रिएंट को हम दो फॉर्म में स्टोर करते हैं, एक तो कॉटिलेडॉन में या फिर इंडोस्पर्म में, बराबर है क्या? हाँ सर। तो इंडोस्पर्म में हमने क्या स्टोर करके रखा है, तो इंडोस्पर्म में हमने स्टार्च को स्टोर करके रखा है। अब आपको क्या करना है, स्टार्च को यूज करना है। स्टार्च जो है इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा आपका अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किसमें, अल्फा डी ग्लूकोज में। तो आपके पास में ग्लूकोज अगर बन गया तो ग्लूकोज इज यूटिलाइज बाय द एम्ब्रियो, तो फिर इसको यूटिलाइज कौन करेगा, एम्ब्रियो, ठीक है क्या? एम्ब्रियो इसको यूटिलाइज करेगा और उसके बाद में फिर आपका जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। बट ये स्टार्च को यूटिलाइज कैसे किया जाता है, इसके लिए अल्फा अमाइलेज आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है सीड को, तो उस कंडीशन में सीड जो है ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद में वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और उसके बाद में हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस किया जाता है, गिबरेलिन। तो एम्ब्रियो के जो सेल्स है ये गिबरेलिन का प्रोडक्शन करते हैं। गिबरेलिन का प्रोडक्शन करने के बाद में गिबरेलिन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये कहां पे, गिबरेलिन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है आपके गिबरेलिन को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे आपके इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म जो है इसमें गिबरेलिन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो इंडोस्पर्म है इट इज प्रोटेक्टेड बाय द सेल लेयर, जिसको बोला जाता है एलुरोन लेयर, ठीक है। एलुरोन लेयर के बाहर आपका टेस्टा पेरिकार्प होता है, ठीक है। तो एलुरोन लेयर के अंदर होता है आपका इंडोस्पर्म, जिसमें अपन ने स्टार्च को स्टोर करके रखा है, ठीक है। अब देखो कि एलुरोन लेयर में नंबर ऑफ सेल है, अगर अपन एलुरोन लेयर को फोकस करते तो उसमें आपको क्या मिलेगा, सिर्फ अलग अलग सेल्स मिलेंगे। वो सेल के ऊपर गिबरेलिन के लिए अगर रिसेप्टर है तो गिबरेलिन वो सेल रिसेप्टर के साथ में जाके बाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा यहां तक, गिबरेलिन प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो, गिबरेलिन ट्रांसपोर्टेड टू दी स्टार्ची इंडोस्पर्म थ्रू दी स्कूटलम, ठीक है। ये जो आपका लेयर है इसको बोला था स्कूटलम, और इसके थ्रू गिबरेलिन आपका एंडोस्पर्म में डिफ्यूज होता है। गिबरेलिन आपका डिफ्यूज होने के बाद में गिबरेलिन बाइंड होता है आपके एलुरोन लेयर के सेल के साथ। एलुरोन लेयर के सेल के साथ में अभी आपका गिबरेलिन बाइंड हो गया। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है यहां तक? अब देखो कि गिबरेलिन बाइंड हो गया, किसके साथ में बाइंड हो गया, तो जो हमारे सेल थे एलुरोन लेयर के उसके ऊपर था गिबरेलिन का रिसेप्टर, ठीक है। इसके साथ में गिबरेलिन बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद में क्या हुआ, बाइंड होने के बाद में सिग्नलिंग स्टार्ट हुई। तो सिग्नलिंग में आपका जो जी प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो गया। जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया तो जो आपका जी प्रोटीन मीडिएटेड पाथवे है इसमें से आप कैल्शियम इंडिपेंडेंट पाथवे से या फिर कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे का सिग्नलिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो कैल्शियम डिपेंडेंट एंड कैल्शियम इंडिपेंडेंट पाथवे से सिग्नलिंग स्टार्ट करेंगे। कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे जो है इसमें आपका साइक्लिक जीएमपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहां तक ठीक है? हाँ सर।
अब देखो जो आपका साइक्लिक जीएमपी है ये कोई ना कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक इंटरमीडिएट जिसको बोलते अपन डाउनस्ट्रीम जो सिग्नलिंग प्रोटीन है ये आपका एक्टिवेट हो गया, ये जाके बाइंड हो जाता है किसके साथ में, आपके डेला रिप्रेसर के साथ में। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, डेला रिप्रेसर के साथ में ये जाके बाइंड हो गया। डेला रिप्रेसर के साथ में जाके बाइंड होने के बाद डेला रिप्रेसर की एफिनिटी वो जीन के लिए कम हो गई। पहले डेला रिप्रेसर जीन के साथ में बाइंड था इसलिए जीन एक्सप्रेशन नहीं होता, अब डेला रिप्रेसर जो है इसके साथ में सिग्नलिंग इंटरमीडिएट बाइंड हो गया तो उसका एक्टिविटी कम हो गया। वो सिग्नलिंग इंटरमीडिएट जो है इसको लेके आता है कहाँ पे, साइटोसोल में। साइटोसोल में यूबिक्विटिन मीडिएटेड पाथवे से इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है क्या यहां तक? यहां तक ठीक है। डेला रिप्रेसर आपका डिग्रेड हो गया, डेला रिप्रेसर डिग्रेड होने के बाद GAMYB जीन जो है ये एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जीन, तो इसका mRNA बन गया। mRNA कहाँ पे आएगा, साइटोसोल में। साइटोसोल में mRNA आने के बाद में इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बन गया तो आपका जो GAMYB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये फिर से न्यूक्लियस में एंटर करेगा, अल्फा अमाइलेज वाले जीन के साथ में जाके बाइंड होगा। तो आपको डेला रिप्रेसर GAMYB ये वाला जीन आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपके अल्फा अमाइलेज के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करता है। GAMYB जीन जो है ये अगर आपका एक्सप्रेस होगा तो ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपका अगर अल्फा अमाइलेज जीन के साथ बाइंड होता है तो फिर आपका अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन होगा। अब mRNA बन गया, mRNA जो अल्फा अमाइलेज का ये फिर से कहाँ पे आ गया, ये फिर से आ गया आपके साइटोसोल में। साइटोसोल में आपका ये जाके बाइंड हो जाएगा किसके साथ में, राइबोसोम। राइबोसोम इसका प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा, एंड टर्मिनल एंड जो है इसके ऊपर आपको मिल गया ER सिग्नल सीक्वेंस जो इसको लेके जाता है किसके पास में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, बराबर। तो ER सिग्नल सीक्वेंस जो है इसके साथ SRP प्रोटीन बाइंड होता है, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लेके जाएगा, फाइनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अल्फा अमाइलेज बन गया। अब अल्फा अमाइलेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया है इसका मतलब वो सिक्रेटरी पाथवे का है, तो उसको वेसिकल में पैक करेंगे, गुल्गी के पास में भेजेंगे, मॉडिफाइड करेंगे और उसके बाद में स्टोर करेंगे वेसिकल में। वेसिकल में स्टोर करने के बाद में जो आपका सिग्नलिंग है इसमें कैल्शियम को भी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और ये कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के बाद कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो कैल्शियम जो है ये बाइंड हो जाएगा किसके साथ में, आपके वेसिकल के साथ में। वेसिकल के साथ अगर कैल्शियम बाइंड हो गया तो इसका फ्यूजन हो जाता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अगर इसका फ्यूजन होता है तो सारा अल्फा अमाइलेज जो है ये सेल के बाहर आ जाएगा। अब सेल के बाहर मतलब कहाँ पे आ गया, तो सेल के बाहर मतलब ये आ गया आपका स्टार्ची इंडोस्पर्म में, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। ये देखो यहाँ पे सेल्स थे, सेल्स के साथ में गिबरलिन बाइंड हुआ, सिग्नलिंग हुई, अल्फा अमाइलेज जो है इसका प्रोडक्शन हुआ, अल्फा अमाइलेज वाले वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गए और सारा अल्फा अमाइलेज जो है ये बाहर सिक्रेट किया गया। तो इसके बाहर क्या है, सेल के बाहर स्टार्ची इंडोस्पर्म, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब कौन सा, अल्फा अमाइलेज। कहाँ पे आ गया ये, स्टार्ची इंडोस्पर्म में। इंडोस्पर्म में अभी अल्फा अमाइलेज आ गया तो ये क्या करेगा,
स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेगा ग्लूकोज में, और फिर वो ग्लूकोज जो है उसको यूज करेगा फिर से कौन आपका इंडोस्पर्म, तो ग्लूकोज को फिर से एब्जॉर्ब किया जाएगा थ्रू दी स्पुटेलम। ठीक है क्या यहां तक? यहां तक ठीक है क्या? गिबरलिन समझ में आ गया? पक्का? उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट हार्मोन है आपके पास इथाइलिन। इथाइलिन जो है जैसे अपन ने पढ़ा ना गिबरलिन अपाइकल टिश्यू प्रोड्यूस करता है, ऑक्सिन आपका शूट अपाइकल मेरिस्टम यंग टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में साइटोकाइनिन जो है ये रूट अपाइकल मेरिस्टम या रूट प्रोड्यूस करता है और उसको फिर ऊपर की तरफ भेजता है। तो वैसे इथाइलिन जो है इसका कोई भी स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है, इथाइलिन को सभी जो प्लांट का टिश्यू है ये प्रोड्यूस कर सकता है। इथाइलिन की जब जिसको जरूरत पड़ती है तब वो इथाइलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है क्या? सर ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड नोडल रीजन जो होता है आपका, ये आप एक मिनट हाँ, तो आपका जैसे अपने बोला कि इथाइलिन जो है ये आपके सभी प्लांट का जो टिश्यू है ये आपका प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बट आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और नोडल रीजन जो रहेगा ये मोस्ट एक्टिव रीजन होता है फॉर द इथाइलिन प्रोडक्शन। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड नोडल रीजन, नोडल रीजन मतलब ये जो इंटरनोड होता है ना अपना, इसको अपन ने पेटियोल बोला था बराबर, यहाँ पे और एक लीफ है तो ये जो बीच वाला स्टीम है उसको अपन ने इंटरनोड बोला था ना, तो ये रीजन को बोला जाता है नोडल रीजन जहां से लीफ जो है ये डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इथाइलिन जो है इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है फ्रूट राइपनिंग में और सेनिसेंस में। ठीक है, तो इसलिए आपका इथाइलिन जो है इसको राइपनिंग हार्मोन एंड सेनिसेंस और एब्सेशन हार्मोन बोला जाता है। ठीक है क्या? तो ये आपका राइपनिंग हार्मोन, सिनेसेंस और एब्सेशन हार्मोन, इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस किसमें होता है? लीफ एब्सेशन में, फ्लावर सिनेसेंस में और फ्रूट राइपनिंग में। तो इसलिए इथाइलिन का प्रोडक्शन भी कब बढ़ेगा? जब आपको राइपनिंग करना है। ठीक है,
सेनेसेंस कंडीशन को डेवलप करना है या फिर अब्सेशन के अब्सेशन करना है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इथाइलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते। ठीक है यहाँ तक? हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट, इथाइलिन प्रोडक्शन जो है ये नेचुरली भी आप क्या करते हो, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, जैसे लिप सेनेसेंस, एब्सेशन हो गया, फ्रूट राइपनिंग हो गया, ये तो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं ना, ये तो आपका लिप डेवलप होता है और कुछ देर के बाद में उसका सेनेसेंस होता है और उसके बाद में एब्सेशन हो जाता है, शेडिंग हो जाता है। फ्लावर का भी वैसे ही है, फ्लावर धीरे धीरे आपका डेवलप होता है, उसके बाद में उसका सेनेसेंस स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद में उसका एब्सेशन हो जाता है। फ्रूट का भी वैसे ही है, ये नेचुरल प्रोसेसेस है, बट कभी कभी क्या होता है कि प्लांट जो है ये कोई तो भी रीजन के कारण डैमेज हो गया, वो आपका इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो गया या फिर अदर एक्टिविटी की वजह से वो डैमेज हो गया। तो अगर प्लांट आपका अगर डैमेज हुआ है या फिर फ्रूट आपके डैमेज होते हैं तो उस केस में इथाइलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इन्फेक्शन के केस में क्या होता है कि आपका जो इथाइलिन प्रोडक्शन है ये बढ़ जाता है। तो एनी टाइप ऑफ वाउंडिंग कैन इंड्यूस इथाइलिन बायोसिंथेसिस, जैसे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, फ्लूडिंग हो गया, चिलिंग हो गया, उसके बाद में डिसीज मतलब इन्फेक्शन, टेम्परेचर और ड्रॉट स्ट्रेस, तो कोई भी आपका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कंडीशन जो है ये आपके इथाइलिन बायोसिंथेसिस को इंड्यूस कर सकते। ठीक है क्या यहाँ तक? ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। हाँ सर। तो इथाइलिन को हम कब प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रेस कंडीशन में, अगर प्लांट डैमेज होता है तो उस कंडीशन में। अरे यार